बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत हूँ व्यूअर्स। आज मैं आया हूँ फैज़ान भाई की शॉप पे, जो है अम्मा टावर में फर्स्ट फ्लोर। शॉप का नंबर है F41। यहाँ पे फैज़ान भाई के पास कुछ फ़ोन पड़े हैं मुख्तलिफ वैरायटी में। देखते हैं क्या प्राइस ऑफर करते हैं, किस रेंज में ऑफर करते हैं। चलिए इनसे पूछिए, चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फैज़ान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फैज़ान भाई। आज हमारे व्यूअर्स को आप कौन कौन से मॉडल दिखाएंगे, ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हमारे पास इस वक्त जो फोन ऑफ द मंथ चल रहा है ना, ये जी, जो सबसे ज़बरदस्त डिमांडेबल फ़ोन है, पहले उसको दिखाते हैं, बाकी दूसरे फोन को दिखाएंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले पता चल रहा है कि अब तक का ट्रेंडिंग फ़ोन कौन सा है जो डिमांड में चल रहा है। सही है भाई। हमारे पास चल रहा है एक्सपीरिया का वन। एक्सपीरिया वन है, ये रखा हुआ है आगे दिखाएंगे, ये रखा हुआ। सही है। अच्छा, इसके अंदर दो कलर्स हैं। सही है, एक ब्लैक कलर है और ये ब्लू कलर है। स्नैपड्रैगन 855, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज। अदर स्पेसिफिकेशन जो है ना, व्यूवर से रिक्वेस्ट है वो नेट पे चेक कर लें, हमारे शॉर्ट वीडियो में उनको प्राइस और मॉडल पता चल जाएगा हमारे पास क्या है, ठीक है? क्योंकि व्यूवर्स की डिमांड ये होती है, छोटी सी वीडियो में सब चीज़ें पता चलना है, ठीक है? एक्सपीरिया वन आपको पसंद आएगा तो भाई इसका जो GSM अरीना पर स्पेसिफिकेशन निकाल लेना। बाकी ये कि मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास ये नॉन बी डी है, 28,000 के अंदर ये मिल जाएगा पूरी डील के साथ। डील में इसकी कौन कौन सी चीज़ें वो भी मैं बता देता हूँ। इसका ओरिजिनल पाउच जेली वाला, सोनी का ओरिजिनल चार्जर और एक केबल होगी। 28,000 के अंदर सब चीज़ें मिलेंगी, ये नॉन बी डी ए सेट है, ठीक है? और ये अब तक का ज़बरदस्त मॉडल है जो चलता है, और इसके अंदर ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, जेट ब्लैक कलर है, ठीक है? फैज़ान भाई की कंडीशन 10/10 देंगे, बिल्कुल साफ कंडीशन है, बिल्कुल ए प्लस, ठीक है? सही, ए प्लस, कहीं भी एक भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है? इसमें एक ब्लैक कलर है, ठीक है? तो फैज़ान भाई क्या दिखा रहे थे आप? अच्छा, हम दिखा रहे थे भाई आपको, अब दिखाएंगे हम मेट 10 प्रो हवावे का, 6GB 128GB। स्पेक्स आपको बता दिए, PD अप्रूव डबल सिम के अंदर ये 26,000 रुपये का पड़ेगा। सही है, अप्रूव डबल सिम में मेट 10 प्रो 6/128 के अंदर ये मॉडल, और बाकी स्पेक्स आप है ना नेट पे चेक कर सकते हैं इसकी। मैंने आपको प्राइस बता दी है। बाकी शार्प पास R3 भी हमारे पास मौजूद है, पबजी लवर्स के लिए बेस्ट है, 128 के अंदर, नॉन PTA के अंदर आपको ये मिल जाएगा 21,000 रुपये का ओनली सेट। 21,000 रुपये ओनली सेट। और डील भी आपको कुछ बताया था, डील भी 22,000 के अंदर डील मिलेगी, पाउच और चार्जर के, ठीक है? सही है। तो फैज़ान भाई PTA अप्रूव है ये मेट 10 लाइट? वो मैंने बता दिया है कि मेट 10 प्रो का मॉडल है, PTA प्रूफ, R3 नॉन PTA का, ठीक है? सही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये छोटे मॉडल्स भी हैं, छोटी कैटेगरी भी है। ये 5,000 रुपये का सेट है, मोटो ई फर्स्ट जनरेशन, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज है, 5,000 का, सही है? PTA प्रूफ, ठीक है? सही है। इसके बाद अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं, ताकि व्यूवर्स का टाइम भी बच सके, हमारा भी एक छोटी सी वीडियो बन जाए। सही है। स्टॉक के अंदर जी कौन सा? ये है STC U11, ठीक है? U11 है STC का, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है ये, और 4GB 64GB है, सिंगल सिम है और PTA अप्रूव है, ठीक है? सही है। ये मिलेगा 12,500 के अंदर, 12,500 का, सही है? और ये की जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर 2160 पिक्सल है, बहुत हैवी है, ठीक है? ठीक है। इसके बाद भाई, इसके बाद हमारे पास सोनी एक्सपीरिया XZ1 पड़े हुए, देख रहे हैं बस, 4GB 64GB के अंदर है, ठीक है? नॉन PTA है, 10,000 रुपया, दो कलर के अंदर पड़े हैं, देख लेंगे व्यूअर्स आप। इसके अंदर दो कलर और है, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो व्यूअर्स, मैं आपको फैज़ान भाई के नंबर दे दूंगा शुरू में वीडियो के बीच में और एंड में, ताकि आप फैज़ान भाई से कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है व्यूअर्स? इसके बाद फैज़ान भाई, हमारे पास भाई ये डिज़्नी के फ़ोन है, डिज़्नी DM01 के, सही है? LG का है, 3GB 32GB, PTA अप्रूव, 9,000 के अंदर, 9,000 के अंदर PTA अप्रूव, ठीक है? सही है फैज़ान भाई। इसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं हम पास R2 नॉन PTA, 4GB 64GB, सही है? नॉन PTA है, 12,000 का, 12,000 रुपये का नॉन PTA पास R2, ठीक है? सही है। और इसी के अंदर अगर आप PTA मांगेंगे तो भाई सभी ओर से रिक्वेस्ट है कि पुराने जितने भी प्राइस आपने देंगे सब भूल जाए। अब जो R2 का प्राइस आएगा वो 17,000 रुपये प्राइस होगा, PTA अप्रूव का, सिंगल पीस का, ठीक है? सही है। तो व्यूअर्स, ये जो PTA की ड्यूटी है ना, वो थोड़ी अप हो गई है, डॉलर अप हो गया है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सबको पता है, फिर भी प्राइस पूछ रहे होते हैं कि कम होगी नहीं होगी। भाई कैसे कम होगी जब सब चीज़ें ही महंगी हो गई। सही है, ठीक है। 17,000 रुपये का आने वाला रेट है R2 का PTA, ठीक है? आपके पास XXX3 है, 3GB रैम है, 3/32 है, PTA अप्रूव है, और ये 10,000 का पड़ेगा, XXX3 शार्प का डबल सिक्स, ठीक है? अप्रूव 10,000। सही है फैज़ान भाई। इसके बाद एक और मॉडल है सोनी एक्सपीरिया XZ3, वो सामने नज़र आ रहा है, जूम करके ये देखिए बस, ये सोनी एक्सपीरिया XZ3 पड़ा हुआ है, तो इसकी क्या प्राइस है? XZ3 आपको मिल जाएगा 64,000,
ठीक है, बस देख लें आप। एग्जेक्ट 3 आपको मिल जाएगा इस वक्त आपको 18,500 का, ठीक है, सिर्फ सेट सही है। और इसकी डील 20,000 के अंदर मिलेगी, 20,000 के अंदर की डील मिल जाएगी। डील के अंदर क्या है? प्रोटेक्टर, चार्जर, केबल, सब चीज़ें डील के अंदर। ठीक है, सही है फैजान भाई, तो देख लें एक बार। सारे पीस दिखा दिए मैंने और सोनी एक्सपेरिया एग्जिट 2 मेरे ख्याल में रह गया है। एग्जिट 2 लगे हुए हैं नॉन पीडीए के अंदर। सही है फैजान भाई, 4GB 64GB के अंदर नॉन पीडीए 12,000 रुपये की प्राइस, 12,000 रुपये की प्राइस के अंदर। और फैजान भाई किसी फ़ोन के साथ भी हम डील लगाना चाहें तो अमाउंट प्लस हो जाएगी? 1,000 रुपये प्लस होते हैं डील के। डील में क्या क्या मिलेगा? प्रोटेक्टर, चार्जर, केबल, 1,000 रुपये की चीज़ें, उससे ऊपर ही बनती है, हम लोग 1,000 के अंदर आपको देते हैं। ठीक है, सही है बस। तो व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग डेली की अपडेट्स के आपके लिए वीडियोस लाते हैं, बनाते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरह की डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चैनल पे आते ही फौरन सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली नई वीडियोज़, नई अपडेट जो भाई बनाते हैं आपको पूरी काफ़ी मेहनत से बनती है वीडियोज़ आपको मिल सकेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हम लोग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। तो व्यूअर्स देख लें, फैजान भाई ने आपको सारी अपडेट दे दी जो जो स्टॉक पड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। आखिर मैं यही कहना चाहूँगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।